तो है गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों को मेरे एक नए दोस्त से मिलाऊंगा, एक ऐसा दोस्त जो कि हर किसी के पास होना चाहिए, स्पेशली विंटर में फिजिकल फिटनेस के लिए, एक्सरसाइज के लिए। एंड साथ में मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों का जो बार बार पूछा गया सवालों का जवाब भी देने वाला हूँ कि आप लोग ये पूछते रहते हो कि भाई आपको यूट्यूब से कितना अर्निंग्स होता है और आपका यूट्यूब इनकम कितना है, आपको यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है, कितना पैसा मिला है। इन सब का जवाब मैं आप लोगों को धीरे धीरे इस वीडियो में आज बताऊँगा। सो है गाइस, एज यू कैन सी आफ्टर 3 डेज अल्टीमेटली आई डिड रिसीव दिस अर्बन टेरन बाईसाइकिल थ्रू फ्लिपकार्ट, जैसा कि इसका कार्टून वगैरह भी आप देख सकते हैं। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो सेफ्टी को काफ़ी ध्यान दिया गया है, यानी कि ये काफ़ी भरा सामान है, सो डेट वाई सेफ्टी को ध्यान देना जरूरी है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 90% असेंबली, यानी कि 90% ये साइकिल जो है फिक्स होकर के आया है, 5% जो मुझे खुद असेंबल करना होगा, यानी कि खुद फिक्स करना होगा। तो खोल के देखते हैं कि सही में 90% है या फिर ऐसा ही 90% दिया गया है। 90% अगर होगी तो मेरे लिए अच्छा बात है, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहनत करना भी नहीं पड़ेगा। एंड एज यू कैन सी, ये मैंने लगाया हुआ है 2 रिंग लाइट फॉर बेहतर क्वालिटी। अभी जब मैं इसे अनबॉक्स करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा, तो क्वालिटी थोड़ा जो क्लियरेंस अच्छे से दिख सके। टायर वगैरह है कुछ। तो है गाइस, एज यू कैन सी, जैसा कि मैंने कहा था कि बाहर से तो देखने में काफ़ी सेफ्टी को ध्यान दिया गया है, बट अंदर से इतना नहीं। यहाँ पे इस प्रकार से आया हुआ है, 90% असेंबल है करके बोला था, लेकिन 90% नहीं, मेरे हिसाब से 70-80% असेंबल है। यहाँ पे कुछ असेंबल का जो गैजेट रहता है वो भी दिया हुआ है, यानी कि इंस्टॉलेशन करने का जो रेंज वगैरह है कुछ कुछ दिया हुआ है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच फ्लिपकार्ट। एंड यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, और एक गैजेट है, कहा गया ना, ये एयर पम्प भी दिया हुआ है, तो इसके लिए भी थैंक यू सो मच फ्लिपकार्ट। देखो, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ऐसा ही आया है टायर, जो काफ़ी बढ़िया हाइब्रिड टायर है। एंड ये डबल एलॉय का रिम है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अब देखना ये है कि इसे असेंबल करने के बाद इसका लुक्स कैसा रहता है। यहाँ पे है इस साइकिल का हैंडल पम्प है। सो है गाइस, एज यू कैन सी, अब हो चुका है 100% असेंबल, अब ये तैयार है पूरी तरीके से। अब इसे कह सकते हैं एक बाईसाइकिल जो कि चलने के लिए, चलाने के लिए तैयार है एकदम पूरी तरीके से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बाईसाइकिल का जो कलर है वो येलो एंड ब्लैक है, एंड दोनों ही मेरे फेवरेट कलरों में से एक है। सो दैट्स वाई मैंने ब्लैक एंड येलो ऑर्डर किया, अदरवाइज रेड का भी ऑप्शन था मेरे पास, वो मैंने ऑर्डर नहीं किया। सो तो जो जो शायद बिल्लिया लोग डिस्टर्ब करता रहते हैं। सो आप बात कर लेते हैं इस बाइक के फीचर्स के बारे में। साइकिल में 3 प्रकार का होता है, एक MTB, एक हाइब्रिड एंड एक रोड बाइक। सो मैंने ये लिया, ये हाइब्रिड बाइक है। एज यू कैन सी, इसका जो टायर है वो थोड़ा MTB यानी कि माउंटेन बाइक से, माउंटेन साइकिल से थोड़ा सा पतला रहेगा, और रोड बाइक से थोड़ा सा मोटा रहेगा। सो दैट्स वाई ये माउंटेन बाइक से थोड़ा बहुत स्पीड चलेगा, क्योंकि इसमें गियर नहीं है। विदाउट गियर का भी ये हाईवे में काफ़ी स्पीड चलेगा, यानी कि आप इसे आराम से पैदल मार सकते हैं, यानी कि पैदल मारने में इतना एफर्ट नहीं डालना होगा। सो दैट्स वाई मैंने हाइब्रिड साइकिल लिया, इसका जो टायर है थोड़ा पतला करके है। एंड यहाँ पे एलॉय रिम है डबल डेकर का, और उसके बाद यहाँ पे डिस्क ब्रेक नहीं है, यहाँ पे रिम ब्रेक है। वैसे रिम ब्रेक भी इतना बुरा नहीं है साइकिल के लिए, सो बस रिम ब्रेक में मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है। एंड एक बात, तो इसका कलर जो है काफ़ी खूबसूरत है, कलर से मैं एकदम सेटिस्फाई हूँ। इसका हर चीज़ से एक्चुअली मैं सेटिस्फाइड हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये जो ऑनलाइन में जैसा दिखा था उससे भी कहीं मज़ेदार रियल में दिख रहा है। एंड इस बाईसाइकिल को परचेस करने का मेरा ये भी एक रीज़न है, बजट। जैसा कि इस वक्त आप देख ही सकते हो कि मैं गलियों का रोड में इस साइकिल को दोहरा रहा हूँ, यानी कि चला रहा हूँ। जो कि रोड है, गलियों का रोड काफ़ी फ्लैन है यहाँ का, एंड इसी गलियों की रोड की तरह यहाँ का जो मेन रोड है यानी कि हाईवे से, वो भी काफ़ी प्लेन है। सो दैट्स वाई मुझे 11 बाईसाइकिल का ज़रूरत नहीं, यानी कि 11 साइकिल का इतना यहाँ पे ज़रूरत नहीं होता। यहाँ पे आप ऐसा ही सिंगल स्पीड के साइकिल से भी आराम से पैदल मारते दूर दूर तक जा सकते हो, जैसा कि इस वक्त मैं मार रहा हूँ। एंड बचपन में काफ़ी इच्छा रहता था कि बाईसाइकिल परचेस करूँ, एक साइकिल हो मेरे पास, ऐसा बचपन में काफ़ी इच्छा रहता था, काफ़ी विश रहता था, एंड वो विश ही रह गया।
वैसे उसके बाद जैसा ही हम लोग हायर क्लास पे पहुंचे, तब ऐसा सोच एक रखता था कि साइकिल क्या करेगा, छोटा बच्चा थोड़ी है, साइकिल क्या करेगा, ऐसा सोच रखता था। तो मेरे हिसाब से आज के डेट पे ये सोचता हूँ कि उल्टा आपका एज जितना बड़ा होता जाता है, यानी कि आप जितने ही मैच्योर एज के होते हो उतना ही आपको साइकिल वगैरह का ज़रूरत है फिजिकल फिटनेस के लिए, इंटरनल फिटनेस के लिए। सो दैट्स वाई साइकिल चलाने का कोई उम्र नहीं होता। सो अभी मेरा इस कंटेंट को देखकर आप में से कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि छोटी बच्ची हो क्या। तो आप फिलहाल बात कर लेते हैं इस कंटेंट का, यानी कि इस कंटेंट का जो मेन पार्ट है, इस वीडियो का मेन पार्ट, यानी कि आप लोगों का बार बार पूछा जाने वाला सवाल कि भाई आपका यूट्यूब अर्निंग कितना है, आपका आपको यूट्यूब से कितना पैसा आता है, कितना पैसा मिल चुका है, कितना मिलता है। एंड इस टॉपिक से पहले मुझे यूट्यूब से अगर एक रुपया भी, यानी कि 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ 1 रुपया तक भी अगर मिला है, तो वो आप लोगों का बदौलत है, आप लोगों का प्यार के वजह से है। तो इसके लिए तो मेरे पास आप लोगों के लिए वर्ड्स है, आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। आप लोगों को जितना ही थैंक यू कहूँ उतना ही कम है। यूँ ही सपोर्ट करते रहना, आगे एक साथ यूँ ही हंसी खुशी बढ़ता रहेगा। मैं होनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे यूट्यूब से अब तक स्टिल 2 बार मुझे यूट्यूब से अर्निंग हुआ है, यानी कि मेरा जो यूट्यूब इनकम है वो 2 टाइम्स आ चुका है। एंड पहला बार का अगर आप लोगों को जानना है कि पहला इनकम का मैंने क्या किया एंड उसमें कितना आया, ये चीज़ अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बोलिए। एंड इस बार का, यानी कि इस बार जो पेमेंट आया था, यानी कि सेकेंड पेमेंट जो आया था, यानी कि उसी सेकेंड इनकम से मैंने परचेस किया है ये बाईसाइकिल, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको अगर एग्जांपल की तौर पे बता दिया जाए तो मैंने ये बाईसाइकिल मेरे यूट्यूब के इनकम के 70-80% से ख़रीदा है, यानी कि ये बाईसाइकिल जो है मैंने परचेस किया है 6-7,000 के अंदर। तो उससे आप हिसाब कर सकते हैं कि उससे आप जज कर सकते हैं कि जो मेरा यूट्यूब का सेकेंड पेमेंट है वो कितना आया होगा। एंड आप बात कर लेते हैं पहला पेमेंट मिलने के बाद मुझे सेकेंड पेमेंट कब मिला। पहला पेमेंट तो मुझे 2021 में ही मिल चुका था, यानी कि 2021 के अक्टूबर नवंबर के आसपास में मिल चुका था। उसके बाद काफ़ी महीनों के बाद, यानी कि 7-8 महीनों के बाद फिर मुझे ये सेकेंड पेमेंट आया। एंड कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि भाई आपका मंथली अर्निंग कितना है। मंथली अर्निंग अगर मेरा, चलो मान लीजिए कि 10-15,000 भी यूट्यूब से होता तो मैं क्या से क्या हो जाता, तो मुझे यहाँ वहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी क्लियर कर दूँ, मुझे बिल्कुल यूट्यूब से मंथली इनकम मिलता नहीं है, यानी कि पहला पेमेंट मिलने के बाद मुझे 8-9 महीने के बाद ये सेकेंड पेमेंट मिला। अब तीसरा पेमेंट कब मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं है। तो ये था कुछ सच मेरे यूट्यूब इनकम से रिलेटेड, आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। वैसे मैं जब यूट्यूब क्रिएटर्स बनने से पहले, यानी कि ब्लॉगर बनने से पहले, तब मैं भी काफ़ी बड़े बड़े टेक्निकल क्रिएटर्स का चैनल देखा करता था यूट्यूब पर। जब भी वो लोग अपने इनकम के बारे में वीडियोस बनाते थे, बातें करते थे, तब मुझे भी ऐसा लगता था कि ये लोग झूठ बोलते हैं। एक्चुअली तो यूट्यूब में मोनिटाइज होने के बाद काफी सारा रुपया ही रुपया है, पैसा ही पैसा है। और ये शेयर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। ऐसा लगता था जैसा ही मैं खुद क्रिएटर्स बना, जैसा ही खुद इस लाइन पे आया, जैसा ही मेरा खुद का चैनल मोनिटाइज हुआ, 1K कंप्लीट हुआ सब्सक्राइबर, और उसके बाद जैसा ही 4,000 वॉच आवर्स कंप्लीट हुआ, चैनल मोनिटाइज हुआ, उसके बाद ही मुझे पता चला कि यूट्यूब में एक्चुअली जो इनकम है वो कैसा करके आता है। सो दैट्स वाई आप सभी अगर क्रिएटर्स बनना चाहते हैं तो पहले से आप ये सोच के मत करिए कि चैनल मोनिटाइज होने के बाद उठना उठना मिलता है, माला माल होता है, ये सब सोच करके बिल्कुल ना आए। एंड मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब एक बर्बादी है, यूट्यूब में करियर वरियर बिल्कुल नहीं है, यूट्यूब में बिल्कुल पैसा वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यूट्यूब में काफ़ी सारे पैसा है, जिसमें स्पेशली यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में सबसे पहले तो मैटर करता है आपका मेहनत, कि आप कितने हार्ड वर्क करते हो, कितने स्मार्ट वर्क करते हो। सेकेंड तो कुछ कुछ का ऐसा होता है कि किस्मत इतना बदल देते हैं कि उसका जो हाथों का लकीर है वो इसी चीज़ में लिखते हैं, तो उसका किस्मत जो कभी कभार रातों रात भी पलट जाता है, वीडियो वायरल हो जाता है। तो ऐसा कई सारे चांसेस है इसमें भी आगे बढ़ने का, बट अदरवाइज मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूँ तो वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, और क्या ही बताओ। सो आई होप जो आप लोगों के अंदर सवाल था, आप लोगों के दिल के अंदर सवाल था यूट्यूब इनकम से रिलेटेड, मेरे यूट्यूब इनकम से रिलेटेड, वो क्लियर हो गया हो। एंड आई होप आप लोगों को मेरे नए दोस्त से मिलकर अच्छा लगा हो। यही दोस्त आप लोगों को मेरे आगे के जो ब्लॉग है उसमें कभी कभार देखने को मिलता रहेगा। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जय हिंद जय भारत। अगर आप भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ हेस्टिटेट मत कीजिए, DM कीजिए मुझे, या फिर इस वीडियो के कमेंट में डालिए, मैं अगले वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके उसका जवाब देने की कोशिश करूँ।